सहारा का दो लेटेस्ट न्यूज आया है, उसको आप जानिएगा, उसको जान लीजिएगा। अगर आपका सहारा में पैसा है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वो न्यूज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि आपने पाई पाई करके सहारा में पैसा जमा किया था। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले आज छत्रपति शिवाजी का जयंती है, तो उन ऐसे महापुरुष को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ हम कहेंगे कि हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाकर एक मैसेज कर दीजिए कि हम सहारा से जुड़े हुए हैं। और सहारा का वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। न्यूज आया था 4 मार्च 2014 में आया था, उसके बाद ये लोग कोई भी ऐसा चैनल नहीं है उस पर जो कि चिट फंड कंपनियाँ सहारा के लोग न्यूज दे, ऐसा कोई नहीं। ये लोग न्यूज नहीं दिए, आज तक न्यूज नहीं दिए, लेकिन मैंने सोचा खुद कि मेरा पैसा उसमें जमा है, बहुत सारे लोग का ऐसा पैसा जमा है, तो इस पर एक मुहिम चलाया जाए और लोगों को लोग इस पर जागे से ज़्यादा जागरूक किया जाए और हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि ताकि सभी को पैसा मिल सके और सब अपनी हक की बात यहाँ पर कह सकते हैं। तो आप लोग का जो भी कमेंट्स में जो भी सवाल है मन का, तो उसको लिखिए कमेंट्स में, अगला वीडियो पर ज़रूर उसको हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम आपके नाम के साथ आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन है तो नीचे जरूर लिख दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि ये खेल कब से स्टार्ट हुआ था। एक खेल तो सहारा तो 90 के दशक में ही आ गई थी, लेकिन इसका मेन खेल था वह स्टार्ट हो गया जब जो कि 2000 से ये कंपनी सहारा स्टार्ट किया था और आज वह करोड़ों अरबों का मालिक बन गया। आपको ये खबर बता रहे हैं 2012 में ही इसका एक पूरा दम माहौल गर्म हो गया था और इस पर सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल पर पूरा ट्रेंड चल गया था और इसने लोगों से झांसा देकर और बड़े बड़े प्लॉट दिलाने के लिए, घर दिलाने के लिए इसने इस कंपनी में कहा कि इतना इन्वेस्ट कीजिए तो इतना आपको ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। तो लोगों ने लालच में आकर इस कंपनी में बहुत ज़ोरदार से पैसा इसमें लगाया और इन्वेस्ट किया। तो यह आप देखिए स्क्रीन, मोबाइल पे स्क्रीन देखिए, आज तक पे आया था ये न्यूज़ पे। 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में निवेशकों के 20,000 करोड़ फीसद ब्याज समेत लौटाने को कहा। जी हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट पर इस पर केस चल रहा था। इसको आप इसका मालिक का भी नाम बताते हैं, इसका नाम मालिक का नाम है सुब्रत रॉय, जो कि इसका सहारा कंपनी का ये मालिक है और अभी ये जेल काट रहा है, जेल में ही है ये। इस पर इसको कहा गया था कि 31 अगस्त 2012 को कि आपके जो निवेशक हैं जिनके 20,000 करोड़ पैसा आपने ले रखा है उसको सूद समेत 15% ब्याज के साथ आपको लौटाना है, लेकिन ये लौटाया नहीं और फिर इसका आगे का डेट बढ़ गया। उसके बाद फिर एक बार कोर्ट में इस डेट आया 5 सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को 2 किस्तों में जनवरी 2013 और फरवरी 2013 में चुकानी थी, मतलब 2 महीने का इसको डेट दिया और इसको बीच में इसको पैसे को निवेशकों को देना था, लेकिन फिर भी नहीं दिया। आगे सुनिए क्या किया इसने। 15 दिसंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने 2 किस्तों में देनदारी देने को कहा, जनवरी 2013 और फरवरी 2013 में चुकानी थी, फिर भी इसने नहीं चुकाया और डेट को आगे टाल दिया। फिर आगे देखिए इसने क्या किया वो और सुप्रीम कोर्ट से इसको क्या फटकार मिली वो भी सुनिए। 20 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को निरस्त की गई। इसने अपनी एक छुट्टी को दायर किया 25 फरवरी को, लेकिन इसका छुट्टी को निरस्त कर दिया गया। इसने कहा कि मेरा वारंट को निरस्त किया गया, लेकिन इसको कोर्ट की तरफ से इसका जो वारंट है उसको खारिज कर दिया गया। सुब्रत रॉय जो कि अपने कंपनी में 2000 से इस कंपनी को स्टार्ट किया और आज हुआ करोड़ों अरबों का मालिक बन गया। आप लोगों को पता ही क्यों बन गया, क्योंकि हम लोग का पाए पाए का पैसा और मेहनत का कमाई का पैसा वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट किया और विदेशों में और खासकर इंडिया में काफ़ी जगह प्लॉट खरीद लिए और इससे काफ़ी बड़ा वो मालिक बन गया। तो इसके लिए हमें तो इससे कोई अथी नहीं है कि क्या बन गया नहीं बन गया, अब मुझे अपना पैसा लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपका सहयोग और हम लोग का सहयोग पूरा चाहिए, तो इसलिए आप इस चैनल से ज़्यादा लोग को जोड़ने का प्रयास कीजिए, खास करके वैसे जो कि सहारा में इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए खास न्यूज है। न्यूज मैंने बताया कि इसने कैसे कंपनी को अपना स्टार्ट किया था और 2012 से खेल स्टार्ट हुआ जो कि आज 2020 19 फरवरी है, तो आज तक ये खेल चल
चल रहा है और आज भी ये जेल में है। लेकिन एक चीज़ है, इसका कंपनी अभी तक खुला हुआ है और कंपनी में लोगों को यह कहा जा रहा, पैसा तो नहीं दिया जा रहा, जिसका मैच्योरिटी हो गया भी है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा। मैंने इसका पिछले वीडियो में बताया था, पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर इसका देख सकते हैं, सारा प्ले लिस्ट देखिएगा तो उसका जाकर पहला वीडियो होगा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आपको इसका पैसा तो नहीं मिल रहा, लेकिन इसके में एक मैंने पहला वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताता हूँ कि उस कंपनी में आप जाइएगा तो आपको इस स्कीम को दूसरे स्कीम में बदल दिया जाएगा और इसको एक दूसरा बॉन्ड बना दिया जाएगा, जो कि आपको वही पैसा को साथ में इंटरेस्ट के साथ जब आपको 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपको 2 साल के बाद पैसा मिल जाएगा और सूद समेत के साथ मिल जाएगा। तो ये अच्छी है, लेकिन ये कंपनी ये बंद नहीं हुई, ये खुली है। एक तरह से एक धैर्य और विश्वास दिलाने का एक काम किया है सहारा इंडिया का कंपनी। चलिए अब थोड़ा सा अब आपको एक खबर और खुशखबरी बताते हैं, जो कि दैनिक जागरण पे आया है, उसका जो भी ये वेबसाइट है उस पे जाके अभी पढ़ सकते हैं खबर को। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे पढ़िए, मैं अपने मोबाइल पे पढ़ता हूँ, तो आप भी बारीकी से खबर को पढ़िए, हम भी आपको सुनाते हैं इसमें क्या है। अभी जाके चेक कर लीजिएगा दैनिक भास्कर पर, 18 फरवरी 2020 को आया है, आश्रित को दी गई सहायता राशि। थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। वेबसाइट है दैनिक भास्कर का, उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें 1500 का मासिक बचत जमा करता था, लेकिन 1500 मासिक बचत का मतलब ये 1500 का इसमें सालाना जमा करता था, तो उसकी ये आकस्मिक मृत्यु पर उसको इस कंपनी ने उसकी पत्नी को 750 रुपये प्रति माह 48 माह तक देने का वादा किया है और साथ में वह ब्याज भी देगा। तो वह और इसके साथ कौन कौन कार्यकर्ता थे, इसके साथ कौन कौन जुड़े लोग थे जो इसको उसकी इसको पैसा को दिलाने में इसका हेल्प किए, इसका साथ में बैंक मैनेजर था और बैंक मैनेजर समधारी का था, समधारी कोई जगह का नाम है सिंह, और ऑफिस कार्यकर्ता समधारी के उपस्थित रहे। तो इसमें सीधा सी बात कहे कि 18 फरवरी का एक आकस्मिक घटना किसी के साथ घटा, जो कि इसी सहारा में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, जो कि 1500 का मासिक जमा करता था, तो उसकी पत्नी को 750 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, साथ में ब्याज भी दिया जाएगा। तो इस कंपनी का कुछ खुशखबरी भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग का एक थोड़ा सा विश्वास बना रहता है कि चलो ये कंपनी बंद नहीं हुई, हम लोग को पैसा मिलेगा आज नहीं तो कल, मेरे लिए भी और जो सहारा में इन्वेस्ट किए हैं उनके लिए भी एक धैर्य की बात है कि हमारा पैसा आज नहीं कल हमको मिलना है। तो आप लोग से यही कहेंगे कि आपका जो भी मन में सवाल है सहारा को लेकर आप नीचे पूछ दीजिए, ताकि आपके नाम के साथ अगला वीडियो में आपको बता पाऊँ, उस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। तो इस वीडियो को जितना से हो सके उतना शेयर कीजिए, अगर आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, और आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल ऑनलाइन सिक्योरिटी जेट को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सहारा का पल पल का न्यूज़ आप तक पहुंच जाए। अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।